भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के बाद रविवार को कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। भाजपा ने जहां अपने मैनिफेस्टो को मोदी की गारंटी का नाम दिया, तो वहीं कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को भरोसे का घोषणा पत्र कहा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने आने के बाद भाजपा के घोषणा पत्र के संयोजक रहे और सांसद तथा पाटन से भाजपा के प्रत्याशी विजय बघेल ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की आशंका थी कि कांग्रेस उनके घोषणा पत्र की नकल करेगी और ऐसा ही हुआ है। हमने मोदी की गारंटी का बम फोड़ा तो वे हड़बड़ा गए। नकल के लिए वो हमारे घोषणा पत्र का इंतजार कर रहे थे। भाई अमित जी हैं, भाई अनुराग जी हैं, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सबके बीच में बैठने का अवसर मिला। इससे पहले घोषणा पत्र के सुझाव लेने के लिए आपके साथ स्वादिष्ट भोजन के साथ आप लोग के साथ बैठने का अवसर मिला था और आप सुख से अनुभव जो प्राप्त हुआ, सुझाव मिला, वो स्वादिष्ट घोषणा पत्र भी आया और पूरी जनता उसमें एक सुकून महसूस कर रही। भरोसे, ये अभी आया है ना आज भरोसे का, तो भरोसा हमारे घोषणा पत्र में, क्योंकि जनता जान चुकी है इन 5 सालों में जो छलावा, जो धोखा, जो फरेब इस कांग्रेस सरकार ने की है ना लोगों के साथ, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ, हर वर्ग के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, स्व सहायता समूह की बहनों के साथ, हमारे बुजुर्गों को भी नहीं छोड़े, वृद्धा पेंशन के नाम से जो दिया जाता था उसमें भी बोले थे लोग, कुछ नहीं छोड़े। शराब बंदी की बात अभी वीडियो देखे ना, उनके खुद उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे, आखिरी उनका वक्तव्य जब विधानसभा का आखिरी जो सत्र था उसके बाद का, कि 12 हम किए ही नहीं, वो खुद ही महसूस कर रहे हैं और उसमें शराब को कोट कर रहे हैं क्योंकि गंगा जल की कसम खाई थी। तो ये सब झूठी बातें। ये लोग कहा करते थे कि हम 17, ये इनके ये अभी मुख्यमंत्री जो है, अधिकार विहीन मुख्यमंत्री कहूँ उसको, क्योंकि तो अभी अधिकार तो है ही नहीं है, काम चलाओ मुख्यमंत्री बैठे हैं और बड़बोलापन इतना कि 17 हमने बोल दिया, ये लोग कभी एक भी नहीं आया भाजपा वालों का। उसी समय मैं बोला था, बहुत सारे चैनलों में मेरा वक्तव्य आया था कि ये लोग खुशी बम फोड़ रहे हैं, हमारा एटम बम आएगा। और माननीय अमित शाह जी आए और हमने एटम बम फोड़ा और ये भौचक रह गए, क्या करें कैसा करें। हमारे ऊपर सवाल उठाने वाले लोग आज ये 2 पन्ने का घोषणा पत्र नकल करके लाए। देखिए 2 पन्ने का, और नकल में भी अकल होनी चाहिए, लेकिन ये पूरा हमारा डाटा निकाले, बाजू में कोई ऑफिस बैठ गए, अकबर जी नहीं बनाए, इनके लोग बैठ गए, हमारा घोषणा पत्र निकाले और उसमें चलो भाई दो दो चार चार रुपया बढ़ा दो, ये है घोषणा पत्र, बनावटी घोषणा पत्र। और इस बनावटीपन को जनता, छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह जानती है और शायद 2 पन्ने से ऐसा लगता है कि वो 2 में ही सिमट जाएंगे इस बार। जैसे मुख्यमंत्री गए थे ना यूपी में चुनाव, बहुत बड़ा वो बन के पर्यवेक्षक बन के, 7 सीट सी वो 2 सीट में आ गई इनके जाने के बाद, वैसे शायद यहां होने वाली। जनता बखूबी जानती है और हमने जो अपने घोषणा पत्र का नाम दिया है मोदी गारंटी, क्योंकि पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया का विश्वास है कि मोदी जी की गारंटी हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और वो भरोसा कायम, और इसीलिए हम जो कहते हैं वो करते हैं और कांग्रेस जो कहती है वो नहीं करती। ये विश्वास 5 सालों की उनकी हरकत से लोगों के मन में जागा है। हम अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को भी सम्मान दिया है, किसानों को भी सम्मान दिया है, साथ ही साथ एक मुश्त राशि देने की बात कही है। हम 2 साल के बोनस की बात उन्होंने की थी कि हमारा 2 साल का जो बोनस रुका हुआ है उसको हम देंगे। अरे अपना घोषणा पत्र, अपने जो किए वादे तो 5-5 बार
लोगों को, किसानों को लाइन लगवा के आपने किया, चार चार बार लाइन लगाया किसान जा जाके, किस्तों में आप दिए। तो हमारे बोनस की बात करना तो छोड़ ही दो आप, उसको भी हमने देने का वादा किया है। और ये कर्ज मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कर्ज माफी की बात करते हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी कर्ज मुक्त किसान चाहता है, कर्ज मुक्त प्रदेश चाहता है, कर्ज मुक्त देश चाहता है, और हर व्यक्ति कर्ज मुक्त हो, ये अभियान मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा है। इतना सशक्त बना दो हर वर्ग को, किसान, मजदूर, हमारी महिलाएं, कि उसको कर्ज लेने की आवश्यकता ही ना, ये हमारा मोटो है। लेकिन ये लोग आखिरी साल में जब चुनाव का वर्ष आता है, एक सुरूपा छोड़ते हैं कर्ज माफी का, और उसको भी जनता अच्छी तरह जान चुकी है। और उसी के समकक्ष समराशि हमारा 2 साल का जो बोनस बकाया था, उस बोनस को हम देने जा रहे हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को। 15 दिसंबर के आसपास भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, और 25 दिसंबर को किसानों के खाते में जो 300-300 रुपया, 600 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से उस समय के जो आंकड़े हैं किसानों के और धान के, वो सारा का सारा पैसा किसानों के खाते में जाएगा। एक मुश्त राशि की हमने बात की, किसान भाई रोपाई के समय, बुआई के समय कितना व्यस्त रहता है, 1 मिनट वो अपने खेत को छोड़ नहीं सकता, एक एक दिन उसके लिए अनमोल है। फिर निंदाई में एक एक दिन अनमोल है, फिर कटाई में एक एक दिन अनमोल है, उसको बैंक के चक्कर ना लगाना पड़े, इसलिए हमारी सरकार ने किसानों के प्रति संवेदना रखते हुए हम एक मुश्त राशि 31 करोड़ रुपया उसके खाते में डालेंगे, ये हमने कहा है, ये गारंटी मोदी जी की। और अगर व्यवस्था इतनी अच्छी करेंगे कि हम गांव में ही कुछ बैंकिंग सुविधा बना के उसको वहीं उनकी राशि उपलब्ध कराई जाएगी, ये भी हमने कहा है। महिलाओं के लिए 12,000 रुपया जो भी विवाहित महिला